और सुरक्षा के बल पर अगर आप उनको दबाइएगा तो कोई कुर्सी चलाएगा, कोई झंडा फाड़ेगा, कोई रोड पर लेटेगा। बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन पर पिछले कई दिनों से मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में होने वाली अंदरूनी कलह ने राजनीतिक उठापटक के दौर की शुरुआत कर दी है। पार्टी से संसदीय बोर्ड अध्यक्ष रहे उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह किनारा किया, उसके बाद मसला और उलझ गया। इसी गहमागहमी के बीच तेजस्वी यादव की नाराजगी की खबर सामने आ गई। हुआ यूं कि पटना के टाउन हॉल में आयोजित किसान समागम में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को शामिल होना था। सीएम नीतीश तो तय वक्त पर पहुंच गए, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कुर्सी खाली नजर आई। इस खाली कुर्सी को देखकर कई कयास लगने शुरू हो गए। तय वक्त के ढाई घंटे बाद तेजस्वी कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन तब तक ये खाली कुर्सी राजनीतिक गलियारों में काफी खलबली मचा चुकी थी। माना जाने लगा कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और ललन सिंह से नाराज हैं, क्योंकि ललन सिंह ने बयान दिया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे, यानी पूरा किस्सा सीएम की कुर्सी का है। अगर ये खबरें सच हुई और तेजस्वी यादव वाकई नीतीश कुमार से नाराज हुए तो नीतीश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने अपनी समाधान यात्रा पूरी की। पूरी यात्रा के दौरान कई बार जनता नीतीश के विरोध में मुखर सुर उठाते दिखी। कई जगहों पर नीतीश का विरोध हुआ। एक वक्त में नीतीश के करीबी रहे प्रशांत किशोर ने तो साफ कह दिया कि उनका तो हमेशा से कहना था कि सीएम जब भी कोई पब्लिक कार्यक्रम करेंगे तो इस तरह की घटना होगी। मेरे भाई, आज फिर वही बात मैं कहूंगा, आप मेरे जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनकी समाधान यात्रा जो सो कॉल्ड उन्होंने शुरू की है, इसके शुरुआत से पहले मैंने कहा है कि नीतीश कुमार जी कोई भी पब्लिक कार्यक्रम करेंगे तो उसमें इस तरह की अप्रिय घटना होनी ही होनी है। मैंने ये चुनौती भी दी है कि नीतीश कुमार को अगर लगता है कि उन्होंने काम किया है या इस सरकार के लोगों को, तो बिना सुरक्षा के किसी एक गाँव में, किसी एक पंचायत में वो घूम कर दिखा दे। इतनी सुरक्षा के बाद जब लोगों में इतनी उदासीनता है, जो मैंने आपको कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, जब लोगों के मन में इतना गुस्सा है सरकार के प्रति, लोग इतना परेशान हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आप आइएगा तो लोग हल्ला मचाएंगे। और सुरक्षा के बल पर अगर आप उनको दबाइएगा तो कोई कुर्सी चलाएगा, कोई झंडा फाड़ेगा, कोई रोड पर लेटेगा, और जो वही आप देख रहे हैं हर जिले में हो रहा है। पीके का यह बयान अपने आप में काफी कुछ कहता है। नीतीश के बारे में एक बात और जो इन दिनों कही जा रही है वो ये कि अपने इतने बड़े राजनीतिक करियर में नीतीश ना तो खुद अपने किसी करीबी के उत्तराधिकारी बन सके और ना ही अपने किसी करीबी को अपना उत्तराधिकारी बना सके। उल्टे उनके करीब रहे कई लोग आज की तारीख में उनके दुश्मन बने खड़े हैं। इन हालातों में नीतीश कुमार की पकड़ जेडीयू पर कब तक और कितनी मजबूत रह पाएगी, ये कहना यकीनन मुश्किल है।